आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज पर क्राइम इन कैमरा। और आज हम बताएंगे आपको कि समस्तीपुर में अपराधियों का तांडव किस तरह हो रहा है। दरअसल बदमाशों ने दूसरी बार किया एमएलए पर जानलेवा हमला। आपको बता दें कि समस्तीपुर में इन दिनों अपराधियों का मनोबल सातवें आसमान पर है। वहीं पुलिस अपराधियों के सामने बेबस और लाचार महसूस कर रही है। जिले में गिरती कानून व्यवस्था में आम लोगों के साथ साथ अब जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। दरअसल ताजा मामला नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड का है, जहां बीती रात 15 से 20 की संख्या में बदमाशों ने सीपीआईएम के कार्यालय में घुसकर विभूतिपुर विधायक अजय कुमार पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया। इस दौरान बीच बचाव करने गए उनके अंगरक्षक अनिल राम को बदमाशों ने बुरी तरह पीट कर जख्मी कर दिया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने वहां खड़ी विधायक की स्कॉर्पियो को भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है। घटना के संबंध में विधायक का कहना है कि बीती रात लगभग 15 से 20 की संख्या में दो चार चक्के वाहन और बाइक से पहुंचे अपराधी पहले गाली गलौज कर हंगामा करने लगे, फिर कार्यालय के मुख्य गेट का ताला तोड़ अंदर घुस गए। अपराधियों का अंदर घुसता देख जब उनके अंगरक्षक बीच बचाव के लिए नीचे उतरे, तब अपराधियों ने उस पर हमला बोलकर बुरी तरह जख्मी कर दिया और वहीं खड़ी उनकी गाड़ी को भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। मौके पर शोर शराबे की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए, जिसे देखकर अपराधी मौके से फरार हो गए। इस दौरान एक अपराधी की बाइक मौके पर ही छूट गई। बाद में घटना की सूचना विधायक ने पुलिस अधिकारियों को दी, जिसके बाद नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंच मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बता दें कि बीते 3 मई की शाम को भी क्षेत्र से लौटने के दौरान उजियारपुर थाना क्षेत्र के गांवपुर के योगी चौक के पास में विधायक पर जानलेवा हमला किया गया था। इस मामले में पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं की थी कि अब दूसरी बार कार्यालय में घुसकर अपराधियों ने उन पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया है। इस घटना से नाराज सीपीआईएम के अलावा अन्य वामदल के कार्यकर्ताओं ने दरभंगा पटना मुख्य मार्ग के पटेल मैदान गोलंबर के पास जाम कर घंटों प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग और गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ जिले के पुलिस कप्तान मानवजीत सिंह ढिल्लो के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सीपीआईएम के विधायक अजय कुमार ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, पुलिस का खौफ बिल्कुल खत्म हो चला है। इसी का नतीजा है कि दूसरी बार जानलेवा हमला किया गया है। अगर पहली घटना में पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई होती तो आज दूसरी बार उनके साथ इस तरह की घटना नहीं होती। वहीं बाद में प्रदर्शनकारियों का एक शिष्टमंडल पुलिस अधीक्षक से मिला, जिसके बाद एसपी ने पूरे मामले की जांच कर जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है। अब देखना यह है कि कथित एमएलए के जान के पीछे हाथ धोकर कौन पड़ा है और पुलिस किस हद तक आरोपियों को पकड़ने में कामयाब होती है। फिलहाल आज के क्राइम इन कैमरा में इतना ही। आप देखते रहें टीडी न्यूज। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस न करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपके हक से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कंट्रोवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा टीडी न्यूज पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर।